सोच रहे हैं कि ज़िंदगी थम गई है, कुछ बदल नहीं रहा है, तो सबसे पहले अपना नज़रिया बदलें, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं संदीप, आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट जिसका नाम है हेल्दी ज़ायका, आपका स्वागत करता है। तो चलिए कुछ अच्छा बनाने। आज हम बात करेंगे 100% वेजिटेरियन ग्रेवी के बारे में। अब आप मुझसे पूछोगे ग्रेवी तो 100% वेजिटेरियन होती है। नहीं मेरे दोस्त, हम में से कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मानते हैं कि लहसुन प्याज भी नॉन वेजिटेरियन होता है, तो ये ग्रेवी आपके लिए भी है। ये पूरी तरह से 100% वेजिटेरियन है, ना इसमें प्याज का यूज़ हुआ है ना लहसुन का। तो चलिए बनाते हैं इस ग्रेवी को। तो ये है इंग्रेडिएंट्स हमारे ग्रेवी के। आप सोचेंगे तरुई यहाँ क्या कर रहा है? जी हाँ, तरुई है इस ग्रेवी का बेस। अब चलिए जानते हैं इंग्रेडिएंट्स। ये अदरक 1 इंच अदरक, कटा हुआ हो बड़ा टुकड़ा हो कोई मतलब नहीं है, सब चलेगा। 2 हरी मिर्च ऐसे ही बिना काटे हुए, तरुई बड़े बड़े काटे हुए कोई ज़रूरत नहीं इनको छोटा करने का। 2 टमाटर 2 भाग कर दिए हमने, उससे ज़्यादा छोटे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाइए। 1/2 छोटा कटोरी काजू, 2 तेज़पत्ता के टुकड़े, 2 लाल मिर्च के टुकड़े, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 काली मिर्च की कलियाँ, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 5 छोटी इलायची, थोड़ा सा जीरा। अब हम जान लेते हैं कुछ सूखे मसाले इसके लिए। अब ये देखिए सूखे मसाले, इसमें जो है थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काश्मीरी मिर्च रंग देने के लिए ग्रेवी को, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। बस यही है इंग्रेडिएंट। चलिए अब इनको बनाते हैं। पैन को हमने चढ़ा दिया है और इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है। बिना तेल के इस ग्रेवी को हम भूनेंगे। भूनना क्या है, बस सॉफ्ट करना है जिससे ये मिक्सी में आराम से पीस सकें हम। अब लीजिए मैंने पैन को जाए, पानी गर्म होने से पहले हम इसमें डाल देंगे अब अपनी सारी सब्जियां जो भी है, अब इनको डाल देंगे और वेट करेंगे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और इनको ढक के पकाएंगे थोड़ी देर तक। थोड़ा सा चला लेते हैं जिससे ये आराम से मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर ले। इनको पकाना नहीं है हमको, बस हल्का सॉफ्ट करना है, बस पीसने लायक बनाना है, इनकी मिक्सी में आराम से पीस जाए। लीजिए अब हम ढक के पकाते हैं इसे। ये देखिए अब पक रहा है ढक करके, थोड़ी देर में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में आपका तैयार हो जाता है ये पीसने के लिए। ये अब हो गया है, अब इसको हम पैन बंद कर देंगे और इसको हम धोने के लिए सिंक के नीचे, जिससे गरम गरम मिक्सी में पीसेंगे तो मिक्सी भी ख़राब हो जाएगी। तो अब इसको थोड़ा पानी से धो लेंगे तो ठंडा हो जाएगा ये तुरंत। अब इसको मिक्सी में हम पीस लेंगे। पीस करके आपके ऊपर है, चाहे दरबरा पीसें या फाइन पीसें। मुझे दरबरा पसंद है इसलिए मैं दरबरा पीसूंगा, आपको फ़ाइन पसंद है एकदम पेस्ट जैसा तो आप वैसा पीस लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए मैंने धो लिया जिससे इसका गर्माहट निकल जाए और मिक्सी में पीसने के लिए तुरंत तैयार हो जाए। थोड़ी देर रख दे, पानी छन जाए अच्छे से, क्योंकि ग्रेवी जितनी सूखी रहेगी भूनने का टाइम उतना ही कम रहेगा। ये मैंने पैन में लगभग 2 चम्मच तेल ले लिया है और इसमें अब धीरे धीरे करके अपना खड़े मसाले डालेंगे। इनको हल्का सा फूट जाने का इंतज़ार करें गर्म मसालों को, और फिर इसमें डालेंगे हम अपना पिसा हुआ ग्रेवी। मैंने बताया कि जैसे दरबर ग्रेवी मुझे पसंद है तो मैंने दरदरा पिसा है, ये डाल दिया हल्के से पानी के संग। अब इसको हल्का सा भूनेंगे थोड़ा हम, जिससे इसका मॉइस्चर कुछ कम हो जाए, तब डालेंगे इसमें हम मसाले। मसालों में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था जिससे उसका एक फ़ाइन पेस्ट हो जाए। फ़ाइन पेस्ट हमेशा बना ले मसालों का, क्योंकि जब भी आप इनको पकाएंगे मसालों को तेल में डाल करके, ये तुरंत जलेंगे नहीं और इनका फ्लेवर भी अच्छा आता है जब पानी में आप भिगो दोगे तो। ये देखिए अब ये तैयार है मसाले डालने के लिए। थोड़ी पानी मैंने डाल दिया है, इसको थोड़ी देर और पकाऊँगा। ये पक गया, थोड़ा सा चला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम अपने मसालों का पेस्ट, जो सूखे मसालों में मैंने पानी डाल के रखा था।
अब डालते हैं अपने सूखे मसाले। देखिए ये एकदम पेस्ट टाइप का हो गया, गीला नहीं, हल्का ही सा पानी डाला जाता है जिससे ये बस फूल जाए। आप देखेंगे थोड़ी देर में फूल करके ये खुद ही पेस्ट टाइप हो जाता है। देखिए कितना गाढ़ा है। पानी कम से कम लें क्योंकि अब ग्रेवी तैयार है, तो इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। भून रहा है ये, हमने थोड़ा सा पानी डाल करके जो बचा कुचा मसाला था उसको भी अपने पैन में ले लिया है। ये रंग देखिए काश्मीरी मिर्च की वजह से है, आपको डिपेंड करता है आप कैसा रंग चाहते हैं। मुझे हल्का लाल पसंद है इसलिए मैंने कश्मीरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा लिया था। आप चाहें तो इसको कम करके हल्का सा लाइटिश कलर ऑरेंज में भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, मुझे ऐसे ही पसंद है। ये ग्रेवी तैयार होने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बस मॉइस्चर छोड़ेगा और ये तैयार है आपको किसी भी रेसिपी में यूज़ करने के लिए। ये ग्रेवी का तरवी ही बेस है जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। आपने अभी तक ऐसा सोचा नहीं होगा कि तरवी भी किसी ग्रेवी का बेस हो सकता है। लीजिए अब हमारा ग्रेवी तैयार है, हम पैन बंद करते हैं। ये लीजिए तैयार हो गई हमारी बिना प्याज और लहसुन वाली ग्रेवी। क्यों, अच्छी है ना, होनी भी चाहिए। आप इस ग्रेवी को अपनी किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पनीर की हो, चाहे दाल फ्राई करने में हो, किसी भी चीज़ में, ये सब में वर्क करता है और बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। बस ध्यान रखें मसालों का इंटरचेंज आप अपने अनुसार कर सकते हैं, जैसे का अपना अलग एक मसाला होता है तो उसको चेंज कर दें, मगर बेस हमेशा तरुई को ही रखें, इससे आपका ग्रेवी अच्छा बनेगा और खाने में भी टेस्टी आएगा। तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब हम मिलेंगे आपसे इस चैनल की अगली रेसिपी वीडियो में जिसका नाम है हेल्दी जायका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार दिखाइएगा बेल नोटिफिकेशन में, जिससे अगली बार आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और भूलिएगा नहीं, अगर अच्छा खाना है तो अच्छा बनाना है। नमस्कार।